नमस्कार दोस्तों, जनरल एसटी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल। बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल यानी फिजिक्स का 30+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों मेरा, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किया गया है। क्या किया गया? रिपीट यानी दोबारा बार बार पूछा गया है, वही सब क्वेश्चन है इस 30+ यानी VVI है। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है दोस्तों, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग से लास्ट में कॉमेंट में बोलते हैं, कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। तो इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? यानी क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सर्वाधिक का क्या अर्थ हुआ, सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? क्या होगा इसका ऑप्शन दोस्तों, आप लोग दीजिए। इसके लिए आप लोग को 2 सेकेंड मिलता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग के लिए 2 सेकेंड का समय दिया जाएगा दोस्तों। उसका कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप लोग कॉमेंट करें किसका आंसर क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन के आखिरी लास्ट क्वेश्चन तक जाइए और आप लोग बताइए कि आपका स्कोर क्या आया। लास्ट तक में आप जो टिक ऑप्शन दिए कमेंट बॉक्स में, आंसर देने के बाद जितना भी क्वेश्चन है उसके बाद आपका स्कोर क्या बनता है वो ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी बैगनी। क्या होगा? बैगनी। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? किसका होता है? बैगनी। बैगनी का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। और इसी में कह देगा निम्न में से किसका अपवर्तनांक कम होता है? किसका होगा दोस्तों, बेंजानी हपी नाला होता है। बेंजानी हपी नाला ला यानी लाल रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक कम होता है। और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, उसका सबसे ज़्यादा होता है। जिसका अपवर्तनांक दोस्तों कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक होगा। और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। तो यही क्या होगा क्वेश्चन, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? किसका होगा? बैगनी। आप लोग समझ गए होंगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस विद्युत चुंबक के तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है? यानी निम्न में से किस विद्युत चुंबक के तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? किसका होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है प्राबैगनी, बी है अवरक्त, सी है दृश्य प्रकाश, डी है गामा किरणें। किसका होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दृश्य प्रकाश। क्या होगा? दृश्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी। यानी किस विद्युत चुंबक के, ऐसा कौन सा विद्युत चुंबक के तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? किसका है सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, दृश्य प्रकाश का, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की, यानी प्रकाश का चाल जो दिया, सब अपना अपना राय दिया था प्रकाश का चाल के बारे में, तो सबसे पहले किसने ज्ञात किया था प्रकाश का चाल? प्रकाश का चाल किसने ज्ञात किया था दोस्तों बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी रोमर ने सबसे पहले, कौन ज्ञात किया था, रोमर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें वस्तु को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लेंस और प्रकाश के बीच, बी है फोकस के बाहर, डी सी है वक्रता केंद्र पर, डी है अनंत पर। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी को वस्तु को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, यानी लेंस और प्रकाश के बीच। कहाँ रखा जाता है, लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। कहाँ दोस्तों, लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, कहाँ जाता है, प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, ए नंबर, बी में है तरंग दैर्ध्य घटती है, सी में है आवृत्ति बढ़ती है, डी में कुछ नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है कहने का। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है, कहाँ जाता है, वायु से कांच में जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, तरंग दैर्ध्य
घटती है, क्या होगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य घटती है, यानी जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य घटेगा, क्या होगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य घटेगा, यानी पाँच का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य घटती है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हीरे से कांच में जाता है, बी में है जल से कांच में जाता है, सी में है वायु से जल में जाता है, डी में है वायु से कांच में जाता है। तो क्या हो जाएगा इसको, इसका ऑप्शन दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सिक्स का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, यानी हीरे से कांच में जाता है, किस में जाता है, हीरे से कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब हीरे से कांच में जाता है, क्या चीज़, प्रकाश। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु जो है, यानी ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 7 का क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए आप लोग। ए में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन, डी है व्यतिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है डायनामो, बी में है विद्युत मोटर, सी में है सौर सेल, डी में है विद्युत सेल। इनमें से 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल, यानी सौर सेल जो है, सौर सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं और उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े प्लांट के ऊपर सोलर प्लेट लगा दिया जाता है, यानी उससे क्या करता है, वो प्रकाश ग्रहण करता है और उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 8 का क्या हो जाएगा, सी सौर सेल, क्या होगा, सौर सेल हो जाएगा, यानी 8 का क्या हो जाएगा आंसर, 8 का सी हो जाएगा, सौर सेल, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, सौर सेल बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए में है डायनेमो, बी में है विद्युत मोटर, सी में है सौर सेल, डी में है विद्युत सेल, कौन बदलता है दोस्तों, कौन बदलता है, नौका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, यानी डायनेमो, कौन बदलता है, डायनेमो बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी यांत्रिक कार्य करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा उसमें देते हैं तो क्या होता है, वह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका आंसर क्या होगा, 9 का हो जाएगा ए, यानी डायनेमो, क्या होगा दोस्तों, डायनेमो। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, यानी सूर्य का केंद्र जो है उसका ताप, यानी तापमान कितना होता है, ताप कहने का अर्थ क्या हुआ, तापमान कितना होता है। 10वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 10वां का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। ए में है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन, 2.5, बी में है 2.5 × 10⁻⁷ केल्विन, सी में है 1.4 × 10⁻⁶ के, डी में है 1.4 × 10⁻⁷ के, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का हो जाएगा ए, 1.5 × 10⁻⁷ के, यानी 10 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, यानी सूर्य का जो केंद्र है उसका दाब कितना होता है पूछ रहा है। अब 4 ऑप्शन है दोस्तों इसके लिए, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है 3 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी में है 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी में है 2 × 10⁵ न्यूटन पर वर्ग मीटर, डी में है 3 × 10⁻⁰ न्यूटन पर वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए दोस्तों आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा, 10⁵ न्यूटन पर वर्ग मीटर, सॉरी दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 10⁰ न्यूटन वर्ग मीटर, यानी 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 × 10⁰।
क्या होगा 2 × 10⁻¹५ न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ मिस्टेक से 6 जैसा लग रहा है, 10⁻⁶ लिख 15 लग रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 16 होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ होगा 16 होगा, क्या होगा 16, यानी यहाँ क्या होगा 16, ये 15 जैसा लग रहा है, यहाँ क्या होगा 2 × 10⁻¹⁶ न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 2 × 10⁻¹⁶ न्यूटन पर वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर आधारित है, यानी परमाणु रिएक्टर जो है किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, डी है सभी। तो ये पूछ रहा है किस पे परमाणु रिएक्टर किस पे आधारित है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 12 का बताइए आप लोग, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है 13 का, परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम जो है किस पर आधारित है, इसका ऑप्शन नंबर ए में है नाभिकीय संलयन पर, किस पे, नाभिकीय संलयन पर, बी में है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, सभी किस पे होगा परमाणु बम आधारित, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, किस पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोजन बम आधारित है, यानी हाइड्रोजन बम जो है उस किस पर, वो किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित होगा दोस्तों, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे होगा, ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन पर, बी है नाभिकीय संलयन पर, सी है दोनों, डी है कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाभिकीय संलयन पर, यानी नाभिकीय संलयन पर आधारित है कौन, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकन था जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकन था जर्मेनियम जो है अर्धचालक होते हैं, क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, एक संयोजी, त्रिसंयोजी, पांच संयोजी, चतुर्थ संयोजी, कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें से, 15 का बताइए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ संयोजी, क्या हो जाएगा, चतुर्थ संयोजी, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संयोजी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, यानी पॉजिट्रॉन जो है उसका खोज किसने किया था, यानी खोजकर्ता का नाम पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है जे थॉमसन, बी में है जेम्स चेडविक, सी में एंडरसन, डी में रदरफोर्ड, कौन सा ऑप्शन होगा सब दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 16 का, क्या हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा, एंडरसन ने, किसने किया था, एंडरसन ने, यानी पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया, किसने किया, एंडरसन ने। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एक कूलम आवेश बराबर होता है, यानी एक कूलम आवेश का मान क्या होता है, यानी एक कूलम आवेश जो होता है उसका मान पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, बी में है 6.25 × 10⁻³³ इलेक्ट्रॉन, सी में है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, डी में है 6.25 × 10⁻³³ इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम आवेश का मान क्या होता है, 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, 17 का ऑप्शन हो जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यानी तार का जो प्रतिरोधकता है किस पे निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर ए है लंबाई पर, बी है पदार्थ पर, सी है क्रॉस सेक्शन एरिया पर, डी है इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, किसी तार की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ पर, क्या होगा पदार्थ पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, यानी पदार्थ पर निर्भर करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाट घंटा बराबर क्या होता है, एक वाट घंटा बराबर डैश होता है, यानी एक वाट घंटा बराबर कितना होता है ये पूछ रहा है। तो एक वाट घंटा बराबर ऑप्शन नंबर ए में है 3.6 × 10³ कैलोरी, बी में है 3.6 × 10³ जूल, सी में है 4.2 जूल, डी में है 1 HP, यानी एक वाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्तों, एक वाट घंटा बराबर क्या होता है, 19 का बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.6 × 10³ जूल, क्या होगा 3.6 × 10³ जूल, यानी 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 3.6 × 10³ जूल। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, यानी मेक संख्या का जो उपयोग होता है किसका चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश, बी है ध्वनि, सी है विमान, डी है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका निर्धारण के लिए क्या जाता है, किसकी चाल निर्धारण के लिए, 20 का क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी मेक संख्या का उपयोग किसमें, किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, विमान के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, यानी एक कार बैटरी प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, ए में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में नाइट्रिक अम्ल, डी में आसुत अम्ल, क्या सा कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, यानी स्पर्श दर्शन, कोई चीज़ को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, यानी न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, कोई चीज़ को हम जो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं उसके लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, बताइए आप लोग दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है 20 सेंटीमीटर, बी में है 30 सेंटीमीटर, सी में है 25 सेंटीमीटर और डी में है 15 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, बात वही हुआ, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, क्या होगा इसका आंसर, 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, ए में है न्यूटन, बी में है रदरफोर्ड, सी में है हाइगेंस, बी में है वेबर, यानी चार ऑप्शन है इसके लिए, आप लोग बताइए क्या कौन सा होगा, तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, 23 का हो जाएगा सी, क्या होगा हाइगेंस, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, कौन किया था, सी हाइगेंस ने किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं 24, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, यानी इंद्रधनुष जो है बनता है, आप लोग देखते होंगे प्रकाश की बूंद पे कभी कभी लाइट जो पड़ता है 7 रंग विभक्त हो जाता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो वो जो बनता है उसमें जो है किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, यानी विक्षेपित सबसे ज़्यादा कौन सा रंग होता है, कौन सा रंग होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है बैंगनी, बी है पीला, सी है लाल, डी है नीला, कौन होगा इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, 24 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है दोस्तों, तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का है दोस्तों, पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है, ए में है प्रकीर्णन का, बी है अपवर्तन का, सी में परावर्तन का, डी में व्यतिकरण का, किसका होगा दोस्तों, बताइए आप लोग,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का यानी 25 का क्या हो जाएगा, व्यतिकरण का, पानी के ऊपर तेल का परत जो जम जाता है वो किसका उदाहरण है, व्यतिकरण का, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी व्यतिकरण का, किसका दोस्तों, व्यतिकरण का। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे के पावर होती है, यानी धूप का चश्मा का पावर क्या होता है, उसका पावर पूछ रहा है, धूप का चश्मा का पावर कितना होता है, 26 का बताइए आप लोग। ए में है 0 डायोप्टर, बी में है 1 डायोप्टर, सी में है 2 डायोप्टर, डी में है 3 डायोप्टर, क्या सब कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। यानी धूप का चश्मा जो होता है वो साधारण होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, 0 डायोप्टर का पावर होता है, कितना होता है, 0 डायोप्टर, यानी पावर नहीं होता है, यानी 0 होता है, यानी धूप के चश्मे का पावर क्या होता है, 0 डायोप्टर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, यानी वायुमंडल में प्रकाश जो विसरित कर जाता है उसका कारण क्या है दोस्तों, ए में है धूलकण, बी में है जलवाष्प, सी में है हीलियम, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों इसका 27 का क्या हो जाएगा, 27 का बताइए आप लोग, 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं दोस्तों सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा धूलकण, क्या हो जाएगा दोस्तों, धूलकण हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, धूलकण, यानी ऑप्शन नंबर ए। धूलकण के कारण क्या होता है प्रकाश, धूलकण के कारण वायुमंडल में प्रकाश विसरित हो जाता है, यानी धूलकण के कण से जब प्रकाश टकराता है इधर उधर विसरित हो जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए धूलकण, यानी धूलकण से टकराने के बाद प्रकाश क्या हो जाता है, इधर से उधर विसरित हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए धूलकण, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए धूलकण। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पास्कल किसका ऊर्जा है, किसका इकाई है, पास्कल जो है किसकी इकाई है, यानी पास्कल किसका मात्रक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पास्कल किसका मात्रक है, किसका मात्रक है दोस्तों इसका, बताइए आप लोग। ए में है दाब, बी में है ऊर्जा, सी में है कार्य, डी में है बल, किसका होगा, 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का हो जाएगा दाब, यानी पास्कल जो है दाब का मात्रक है या दाब का इकाई है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप यदि जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल जनरल एसटी ग्रुप को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये भी कहना चाहते हैं दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो, वो भी क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे जुड़कर आप हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 29, यानी 29 का क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, यानी कौन सा ऐसा माध्यम है जहाँ से प्रकाश को हम गुजारेंगे तो उसका गति क्या होगा, सबसे कम होगा। ए में है कांच, बी में है निर्वात, सी में है जल, डी में है वायु, कौन सा धाम ऐसा माध्यम होगा जहाँ प्रकाश की गति क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा, बताइए। 29 का क्या होगा, 29 का बताइए दोस्तों, 29 का हो जाएगा ए, कांच में, क्या होगा, कांच में, यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे कम होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए कांच। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, सूरज का उष्मा जो है पृथ्वी पर कैसा कैसे पहुंचता है। ए में है चालन द्वारा, बी में है विकिरण द्वारा, सी में है संवहन द्वारा, डी में है परावर्तन द्वारा, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, 30 का हो जाएगा बी, यानी विकिरण द्वारा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, रेफ्रिजरेटर में थर्मा स्टेट का कार्य क्या है, यानी रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें थर्मा स्टेट का काम कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है तापमान कम करना, बी में है हिमायन ताप को बढ़ाना, सी में है एक समान ताप को बनाए रखना, डी में है गलनांक को घटाना, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में थर्मा स्टेट का कार्य क्या है,
एक समान ताप को बनाए रखना, यानी ताप जितना रहेगा उसको क्या रखेगा, वो नियत रखेगा, समान ताप अर्थात नियत के रूप में रखेगा, जितना है उतना समान बनाए रखेगा। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का क्या कार्य होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी यानी एक समान ताप को बनाए रखना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। शुद्ध जल जो है उसका क्वथनांक पूछ रहा है फारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा फारेनहाइट स्केल पर, बताइए आप लोग। 32 का क्या हो जाएगा आंसर, 32 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 212 डिग्री क्या हो जाएगा, 212 डिग्री फारेनहाइट क्या होगा, 212 डिग्री फारेनहाइट यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री फारेनहाइट। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, यानी केल्विन जो है तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी बर्फ कितना डिग्री केल्विन पर गल जाता है। कहने का ये अर्थ हुआ क्वेश्चन का क्या होगा, बर्फ जो है कितना केल्विन में क्या होता है गल जाता है, क्या होगा इसका दोस्तों आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन पर क्या होगा, 273 डिग्री केल्विन पर यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है, यानी ध्वनि जो बोलते हैं हम जैसे अभी आवाज़ कर रहे हैं इसका जो वेग है यानी वेग मतलब चाल, ध्वनि का चाल जो है सबसे अधिक किसमें होता है, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है इस्पात में, बी है निर्वात में, सी है जल में, डी है इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, 34 का क्या हो जाएगा, इस्पात में ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, इस्पात में होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस्पात में क्या होगा, इस्पात में ऑप्शन नंबर ए इस्पात में क्या हो जाएगा, इस्पात में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, यानी ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अब क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, इस्पात में तो बोल दिए, इससे 34 का क्या था, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, यहाँ पूछ रहा है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, यानी ठोस में होता है या द्रव में होता है या गैस में होता है या वाष्प में होता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन चेंज हुआ हल्का, इसका ठोस द्रव गैस के रूप में दे दिया गया है, किस में बोल रहा है अधिक होगा, वाष्प के रूप में, किस में होगा दोस्तों इसका बताइए आंसर आप लोग, 35 का हो जाएगा ए, यानी ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, किस में होता है ठोस में, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए ठोस में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। चलिए 36 ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, यानी ध्वनि का प्रभाव जो है हमारे कान पर कितने समय तक रहता है, कोई भी चीज़ बोलते हैं तो ध्वनि का जो इफेक्ट होता है वो कितने समय तक हमारे कान पर टिकता है, ये कहने का क्वेश्चन का अर्थ हुआ कितने समय तक टिकता है दोस्तों, 1/10 सेकेंड तक। तो दोस्तों हम शुरू में बोले थे कि हम क्या क्या पूछेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, तो हम वो क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन क्या होगा मेरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग उसका ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक वीडियो को देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका प्रत्येक रोज हमें आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम मेरा क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कुछ नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग को बताना है ऑप्शन नंबर ये क्या है, बढ़ता है, बी है घटता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है, और एक रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है, मेरा मैथ का ही वीडियो बना हुआ है दोस्तों आप लोग देखिए, तो आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल जनरल एसटी ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।